नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून में मंगलवार देर रात प्रेम नगर के केरी गांव स्थित कृष्णा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बता दें कि 10 से 12 युवकों ने सेल्समैन को जमकर पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहे हैं। युवकों ने पेट्रोल पंप पर खड़े स्टैंड पिलर से मारपीट की है। सेल्समैन कुलविंदर ने थाना प्रेमनगर में तहरीर दी है। पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रेमनगर सीओ आशीष भारद्वाज ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि घटना में शामिल दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों से पूछताछ कर रही है। अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। कल दिनांक 2/8/2023 को थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा दर्ज कराया है। कुलविंदर जो है, जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि कृष्णा फिलिंग स्टेशन जो खैरी गांव में है, उनके साथ में मारपीट की गई है कई सारे लड़कों के द्वारा। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है थाना प्रेमनगर में। दो अभियुक्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही कि बाकी के लोग कौन थे, और बाकी अभियुक्तों को हिरासत में लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए यानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम यानवापी में एएसआई के सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि एसआईए ने शुक्रवार से सर्वे कराने के लिए हमसे सहयोग मांगा है। हमसे जितना होगा उतना सहयोग करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब होगा सर्वे। किन सवालों के मिल सकते हैं जवाब, ये महत्वपूर्ण है। बता दें कि ज्ञानव्यापी की एसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुना दिया है। सर, उसकी कुछ टाइमिंग उन्होंने बताया नहीं, अभी और कोई डिटेल्स हमको उन्होंने शेयर नहीं किया। कल से शुरू होगा ये उन्होंने हमें कम्युनिकेट, टाइमिंग के बारे में उन्होंने बताया नहीं। हम जो भी टाइम हो तो उसके हिसाब से हम तैयारी। सिक्योरिटी कल शुक्रवार भी है तो सिक्योरिटी मेजर्स पे क्या तैयारियां? सिक्योरिटी पहले से ही हम लोग डिप्लॉयमेंट प्लान बना रखे हैं और इस संबंध में सीपी सर से भी डिस्कशन हुआ था। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। न्यायालय का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो एएसआई को प्रदान की जाए। ज्ञानवापी एसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। जी हां, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने पुष्टि की है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। गोरखपुर में युवक की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को जलाया गया है। मामला बेलीपार थाना क्षेत्र के कनेल गांव के पास का है, जहां बंधे किनारे अज्ञात युवक की हत्या कर फेंकी गई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बात यह है कि पहचान छिपाने के लिए युवक को जलाया गया। पास में ही युवक का पर्स और मोबाइल फोन भी मिला है। पर्स में आधार कार्ड से युवक की पहचान हो पाई है, जो कि मऊ के जुडनपुर गांव निवासी उमेश चौहान है। घटना की सूचना पर एसएसपी डॉक्टर गुरु ग्रोवर ने बेलीपार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। साथ ही एसएसपी ने बताया कि मौके से मिले पहचान पत्र के आधार पर मृतक के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, ताकि युवक की पहचान होने के बाद मामले की जांच पड़ताल की जा सके। गौरतलब है कि शव के पास में उसकी एक साइकिल मिली है, जिस पर कपड़ा और आधार कार्ड था। आधार कार्ड से पहचान के बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा बच्चे का पिता, बच्चे की जान माल की गुहार लगाई है। गांव के आधा दर्जन लोगों पर बच्चे को घर से ले जाने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित पिता ने बताया कि गांव की एक लड़की से फोन पर बात करते हुए लड़के को लड़के घर वालों ने पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है। मामला मरका थाने के मरका कस्बे का है। जालौन में प्राइवेट नर्सिंग होम कर्मियों की मनमानी और गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहे के बाद कार्रवाई के आदेश, पैसे लेने के बाद 5 दिन से इलाज के अभाव में जूझती प्रसूता का वीडियो आने के बाद कार्रवाई हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगातार पैसे लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। सीएमओ जालौन एनडी शर्मा ने जांच टीम गठित कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उरई कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड स्थित माँ पीताम्बरा अस्पताल का ये पूरा मामला है। पौड़ी जिले के खीरसू खेड़ाखाल पौड़ी मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 2 लोग सवार थे। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, लेकिन रात होने और एकांत में होने के चलते घटना की सूचना नहीं मिल पाई। सुबह जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। चौकी प्रभारी दीपक पवार ने बताया कि हादसे में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने वाहन को काटकर घायलों का रेस्क्यू किया। इस दौरान नायब तहसीलदार हरेंद्र खत्री, राजस्व निरीक्षक सुदामा सिंह, राजस्व निरीक्षक सुनील सिंह रावत, कांता सेमवाल, पीआरडी राहुल पंत, एसएचओ तमाम लोग मौजूद रहे।
सुबह सूचना मिली हमें 8:30 के आसपास कि मांडा खाल से आगे एक गाड़ी पिकअप रात को गिर गई थी 1 बजे के आसपास रात को। तो सुबह सूचना मिली तो सुबह सूचना पर हम लोग सभी, मैं, SSI और बाकी जो हमारी 112 है और चौकिंचा पावो और जो हमारी चेतक वगैरह सब मौके पहुँचे और उसमें आपदा की टीम थी, फायर सर्विस वगैरह सब लोग हम मौके पहुंचे और मौके पहुंच के देखा तो गाड़ी के अंदर 2 लोग फंसे थे। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में लगातार महिलाओं के साथ दुराचार और अत्याचार को देखते हुए हरिद्वार में भाजपा नेता द्वारा एक महिला के साथ दुराचार को लेकर देहरादून राजधानी में सरकार के नाक के नीचे महिला की हत्या कर कूड़े में फेंकने पर मसूरी कांग्रेस द्वारा शहीद स्थल पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार और महिलाओं का शोषण हो रहा है, इससे अंदेशा है कि इन सभी मामलों में भाजपा के नेता दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चाहे अंकिता हत्याकांड हो या हरिद्वार में महिला से छेड़छाड़ का मामला हो। अलीगढ़ के BJP से अकराबाद ब्लॉक प्रमुख द्वारा खंड विकास अधिकारी के सरकारी आवास पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, सरकारी आवास पर ब्लॉक प्रमुख ने अपने नाम पर बोर्ड भी लगा दिया है। बताया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद ब्लॉक प्रमुख ने खंड विकास अधिकारी के सरकारी आवास पर अवैध कब्जा कर लिया। वही मामले की जानकारी होने के बाद अब मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक प्रमुख को आवास खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख को 5 दिन में आवास खाली करने के निर्देश दिए गए, नहीं तो स्थिति में कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। झांसी में बेटी की मौत पर न्याय मांगने के लिए पिता एक दिवस से भूख हड़ताल पर बैठ गया है। पिता ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान उनके बेटे में इलाज के दौरान रेलवे अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने लापरवाही की, उसको अच्छी जगह रेफर करने की एवज में रकम मांगी थी, ना देने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उसका कहना है कि मुझे नहीं पता था। हालांकि आरोप लगाया गया कि रेलवे अस्पताल में तैनात डॉक्टर द्वारा उसे गुंडे भेजकर धमकाया जा रहा है कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई ना करे। पीड़ित पिता ने कहा कि जब तक मेरी बेटी की मौत का इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं इसी तरह कार्रवाई करता रहूंगा। रेलवे को चाहिए कि ऐसे डॉक्टर को लंबित किए, नहीं तो वो अनशन करने को मजबूर होंगे। मुझे अभी तक 2.5 साल से न्याय नहीं मिला अपने बच्चे की मौत का। तो बच्चे की मौत में लापरवाही बरती है डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव ने। एक ही बेटा था मेरा। बताइए क्या मामला हुआ। 27 अप्रैल 2021 को कोविड के टाइम कोविड हुआ था मेरे बच्चे को। 27 अप्रैल को मैंने उसको एडमिट कराया था। वो यहाँ रहा, इन्होंने क्या इलाज किया क्या नहीं किया। 1 मई को इन्होंने मेरा रेफरल लेटर बनाया मेडिकल कॉलेज के लिए। मैंने पता किया, वहाँ पे कोई भी पलंग खाली नहीं था। जो इस टाइप की जो बात आपने बताई है, इस बारे में ये है कि उनके जो पुत्र की जो मृत्यु हुई थी वो रेलवे, पहली बात तो रेलवे अस्पताल में नहीं हुई, ठीक है। और बात और उन्होंने जो डॉक्टर साहब जो महेंद्र सिंह यादव जी पर जो उनके आरोप हैं, तो उनके लिए उनके काफ़ी पहले उनकी इंक्वायरी हुई है, तो उसमें उनको दोषी नहीं पाया गया है। और अगर उनकी कोई वो है, कोई मतलब शिकायत है या जो वो अगर वो करते हैं, तो उनकी एक उच्च स्तरीय जांच भी और भी लेवल जांच कराई जा सकती है। झांसी के थाना मौरानीपुर क्षेत्र में रासपढ़िया के पास कच्चे मकान के मलबे में दबकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुराहाल है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बरसात के चलते बच्चे बारिश में खेल रहे थे। इसी दौरान एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया और मासूम बच्चा मलबे की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा रोहन रासपढ़िया अपने कुछ साथियों के साथ बारिश के बीच खेल रहा था। इसी दौरान कच्चे मकान की दीवार गिर गई, जिसमें दबने से उसकी मौत हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।